अगर इस कोरोना टाइम ने आपको भी थोड़ा सा थका दिया है और अगर आप भी लॉस्टेड फील कर रहे हो तो ये टॉप 10 सर्वाइवल मूवीज की लिस्ट सिर्फ आपके लिए है। इस लिस्ट की सभी मूवीज का कंपैरिजन आईएमडीबी रेटिंग और गूगल रेटिंग के अकॉर्डिंग किया गया है और साथ साथ मैं उनके अवार्ड विनिंग्स और नॉमिनेशंस के विषय में भी आपको बताता चलूंगा। सो स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 पर है डीप वाटर होराइजन। 2016 में रिलीज हुई यह मूवी जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.1 है और जिसे 2 ऑस्कर नॉमिनेशंस मिले हैं विद 3 विंस एंड 13 नॉमिनेशंस। नंबर 9 पर है दी ग्रे। 2011 में रिलीज हुई यह मूवी जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 6.8 है वह जिसे 2 विंस और 8 नॉमिनेशंस मिले हैं। नंबर 8 पर है कॉन्टिकी। 2012 में रिलीज हुई यह मूवी जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.2 है और जिसे 1 ऑस्कर नॉमिनेशन मिला है विद अदर 12 विंस एंड 13 नॉमिनेशंस। नंबर 7 पर है लाइफ ऑफ पाई। 2010 में रिलीज हुई यह मूवी जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.9 है और जिसने इस लिस्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑस्कर्स यानी 4 ऑस्कर्स जीते हैं और ये फिल्म एक विजुअल ट्रीट है एंड आई वुड रिकमेंड पर्सनली यार ये मूवी आप जरूर देखो। नंबर 6 पर है ऑल इज लॉस्ट। 2013 में रिलीज हुई यह मूवी जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 6.9 है और जिसे 1 ऑस्कर नॉमिनेशन मिला है विद अदर 3 विंस एंड 47 नॉमिनेशंस। नंबर 5 पर है वाइल्ड। 2014 में रिलीज हुई यह मूवी जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.1 है और जिसे 2 ऑस्कर नॉमिनेशंस मिले हैं विद 11 विंस एंड 67 नॉमिनेशंस। नंबर 4 पर डिजर्व करती है कास्ट अवे। 2000 में रिलीज हुई यह मूवी जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.8 है और जिसे 2 ऑस्कर्स मिले। इस लिस्ट में नंबर 3 पर है 127 आवर्स। 2010 में रिलीज हुई यह मूवी जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.6 है और जिसे 6 ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट किया गया है। नंबर 2 पर है द इम्पॉसिबल। 2012 में रिलीज हुई यह मूवी जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.6 है और जिसे 1 ऑस्कर नॉमिनेशन मिला है। एक्चुअली दिस इज अ वेरी रियल स्टोरी ऑफ अ टूरिस्ट फैमिली दैट वाज कॉट इन थाईलैंड। लास्ट एंड नंबर 1 पर जो मूवी है उसका नाम है दी रेवेनेंट। 2015 में रिलीज हुई यह मूवी जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 8 है और जिसे 3 ऑस्कर्स मिले हैं जिसमें से 1 ऑस्कर मिला है हमारे ऑल टाइम फेवरेट एक्टर लियो डी कैप्रियो को।